हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फिलहाल हम यहाँ पे शेरे पंजाब रेस्टोरेंट में हैं, जहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद आज का जो हमारा प्लान है वो मनाली से सिसु विलेज जाने का है, जो लगभग 40 किलोमीटर है। ये जो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो हम अटल टनल होते हुए क्रॉस करेंगे, और अटल टनल की वजह से ही जो ये डिस्टेंस है इतना कम है। अदरवाइज़ पहले अगर लाहौल और स्पीति जाना हो तो रोहतांग पास होते हुए जाना पड़ता था, जिससे हमें 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा लगते थे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज का हमारा प्लान है सिसु जाने का, और अभी सुबह 9 बजे हैं और इस समय हम हैं ढूंढी में, जहां से ब्यास कुंड का ट्रैक शुरू होता है। ये ढूंढी का ब्रिज है, उधर से मनाली से आते हैं और यहां से ट्रैक शुरू होता है। ये रोड सीधी अटल टनल जाएगी। यहां से अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर है अटल टनल, उसके आगे सिसु है, उसके आगे सिसु वाटरफॉल है, सिसु लेक है। अटल टनल में मुझे लगता है काफी सारे लोग तो यहीं से वापस जा रहे हैं बस फोटो सेशन करके। हमारा देश तरक्की कर रहा है, देखो। डिस्टेंस काट के हम यहाँ पर एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँच गए हैं। हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एंड द वर्कर्स हु हैव वर्क। जैसे ही हम अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से लाहौल की तरफ निकलते हैं तो ये जो रास्ता है वो स्पीति की तरफ जा रहा है। अगर हम नीचे देखें तो चेनाब रिवर है, जो चेनाब और आगे जाके भागा मिलकर चेनाब नदी मिलते हैं। का जो व्यू है बहुत ही सुंदर है, शायद ऊपर पहाड़ पे रोहतांग की तरफ या स्पीति की तरफ स्नोफॉल हुआ है। फ्रेश स्नो दिख रही है, इस तरफ तो ग्रीन माउंटेन्स ही हैं, बट द व्यू इज रियली ऑसम, आउटस्टैंडिंग। अभी हम हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे, चंद्रा ब्रिज क्रॉस कर लिया हमने, और उसको क्रॉस करने के बाद सिर्फ एक ही बाहर स्टॉल है, ये खाने पीने की है। भीड़ है यहाँ पे, कुछ खाते हैं, यहाँ से सिसु निकलेंगे।
कैंप साइट पहुंच गए हैं और इस तरफ हेलीपैड है, यहाँ पे कैफेज है और वो पीछे वाटरफॉल है। मस्त।